इंद्रजीत जी, इन रुझानों को कैसे देख पा रहे हैं आप? देखिए, जब तक आखिरी परसेंटेज किस फीसदी का वोट बदला है और कहाँ कहाँ और किस रीजन्स में वो वोट उसमें परिवर्तन आया है परसेंटेज में, उससे कुछ पॉपुलैरिटी का पता चलेगा कि किस पार्टी ने पॉपुलैरिटी लूज की है और किस पार्टी ने पॉपुलैरिटी गेन की है। देखिए, रुझानों से और सिर्फ इलेक्शन दो तरह से देखे जा सकते हैं जो हम लोग देखते आए इतने साल के। देखिए, एक तो हार जीत, वो तो है ही कि ये जीता ये हारा, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। चाहे आप 10 वोट से जीते हैं, चाहे आप 12 वोट से जीते हैं, चाहे 100 वोट से जीते हैं, जीत आपकी है, आपने जीत हासिल की है, कंग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया किया। मगर उसमें इलेक्शन एक और तौर से देखे जाते हैं जिसको कहते हैं विश्लेषण जी। अब हम विश्लेषक लोग ये देखते हैं बिना किसी पार्टी की साइड लेकर के, भाई इसमें फायदा किसको हुआ है, कितना हुआ है, और कोई मुद्दे उठे जो पहले मुद्दे नहीं थे। मैं ये देख रहा हूँ कि देखिए, जो अभी गुजरात की बात आप लीजिए, इसमें कांग्रेस का वोट परसेंटेज जरूर बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। सीट्स बढ़ी हैं, जो अमित शाह ने टारगेट लगा के जो बैठे थे 150, वहां तक नहीं पहुंचे, 104, 103, 105 तक पहुंच सकते हैं, शायद हो सकता है। मगर ये जो बीजेपी ने जो उम्मीद लगाई थी कि डिमोनेटाइजेशन और नोटबंदी और जीएसटी के बावजूद भी वहां पर इनकी बड़ी भारी जीत होगी, इसको मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। नॉर मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि कोई जैसे अभी मेरे साथी यहाँ कह रहे थे कि ऑल्टरनेटिव नहीं था। मैं कह रहा हूं कि ऑल्टरनेटिव नहीं था, मगर इस वोट में वो विकल्प राहुल गांधी के रूप में बन के आ गया है। राहुल गांधी के रूप में अब विकल्प बन के आ गया है, ये सब मानते हैं। और ये जो मेरे बीजेपी के मित्र हैं वो भी जो रुझान सर सामने आ रहे हैं, उन रुझानों के हिसाब से वोट शेयर दोनों ही दलों का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा कुछ इजाफे की बात नहीं है, 1 या 2% का इजाफा देखने को मिल रहा है। ये कांग्रेस के लिए उत्साहित होने की बात है या 5 साल का वनवास और लंबा हो गया, ये चिंता का विषय है? नहीं, इसमें तो कांग्रेस के लाजमी है कि ये उत्साहित होने की इसमें कॉज है, क्योंकि राहुल गांधी ने क्या किया, एक गरम, बहुत ही जलते हुए खोलते हुए गरम लोहे पे एक ठंडी हथौड़ी मारी इस टाइम पे। और जब ये होता है तो इसका जो असर होता है आगे जाके, ये धीरे धीरे असर पैदा होता है। पर इसमें कोई बात नहीं है कि पार्टी में उन्होंने जान फूंक दी है, और इसमें भी कोई मुझे कोई शक नहीं है, क्योंकि मेरे जो भी बीजेपी में आरएसएस के भी मेरे जो दोस्त हैं जिनसे रोज बात होती रहती है, कहते हैं इतना कभी डर बीजेपी में हमने नहीं देखा, और ऊपर की लीडरशिप में इतना डर नहीं देखा। और जो किसको कल पप्पू कहते थे, पप्पू से अमित शाह को डरना कुछ कांग्रेस के लिए तो काफी बड़ी बात है मेरे ख्याल में।